नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल स्वामी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आज फर्स्ट ईयर के लिए मार्च में के आया हूँ इंप्लॉयमेंट स्किल। ठीक है, ये अपने चैप्टर सेकंड चल रहा है। चैप्टर सेकंड जो है उसका टॉपिक चल रहा है अपने इंटरनेट। आईटी इस यूनिट का नाम है और टॉपिक का नाम है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में अपने पिछली क्लास, जो पिछला पार्ट था, उसके अंदर अपने इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी और नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो इंटरनेट को इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब नेटवर्क को अपने वापस आगे से शुरू करते हैं, जहाँ से अपने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अभी आज पढ़ते हैं अपने नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार, ठीक है, ये जो आपकी क्लास है वो आपके आईटीआई के स्टूडेंट सभी ट्रेड में ये इम्प्लॉयमेंट स्किल लागू होता है, उनके लिए भी है। और जो आरकेसीएल के स्टूडेंट हैं उनको भी यही कोर्स के अंदर आप उनके टॉपिक जो है वो हूबहू है। तो आप भी अपने पढ़ रहे हैं नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं इंटरनेट के अंदर? क्योंकि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है। इंटरनेट के अंदर नेट वर्ड आता है, नेट का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है, इसलिए अपने को नेटवर्क जो है उसके बारे में पूरा विस्तार से अपने को चर्चा और उसको याद करना पड़ेगा। तो नेटवर्क के प्रकार जो है उसको अगर अपने पढ़ें, तो अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो नेटवर्क के प्रकार दे दिए 6-7 प्रकार दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने इस क्लास में इसको एकदम सही तरीके से इसका वर्गीकरण करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आगे के कभी भी किसी भी एग्जाम में अपने को थोड़ा बहुत भी नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो। तो नेटवर्क के प्रकार जो है, पहला प्रकार है भौगोलिक दूरी के आधार पर, ठीक है, भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क के प्रकार। भौगोलिक दूरी का मतलब है कि नेटवर्क जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ, उसके आधार पर जो नेटवर्क है वो आपका तीन प्रकार का होता है। मैन और वैन। मैन और वैन जो है वो आपके भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क के प्रकार है। तो यहां पर अगर लैन की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है आपके लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेटवर्क में शॉर्ट फॉर्म में एन दिख रहा हूँ, आप जहां पे भी एन लिखा हुआ है इसका अर्थ है नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, तो आपके भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे कि तीन प्रकार हैं और इनके तीन नाम आपको बता दिए। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इनके पूरे नाम क्या है, वैन का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, WIDE वाइड, ठीक है, WILD वाइल्ड नहीं है, WIDE वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो नेटवर्क है उनमें, उन नेटवर्क की आपस में, उनमें जो डिवाइसेस जुड़ी हुई है उनकी दूरी के आधार पर अपने नेटवर्क को तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लैन नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क जो है वो एक ही बिल्डिंग या एक ही रूम के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसे क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क क्या काम करता है, तो जैसे 10 कंप्यूटर लगा रखे हैं और एक कंप्यूटर से जो है अपने को
वो बाकी कंप्यूटरों में डेटा को आदान प्रदान करना है, उसी रूम के अंदर जो बैठे हैं कंप्यूटर हैं उन्हीं मशीनों तक आदान प्रदान करना है, बाहरी जो कंप्यूटर है उनके साथ उसका आदान प्रदान नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है? मैक नेटवर्क कहलाता है। इसकी खूबी क्या है? इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो एक रूम के अंदर ही रहता है, उसमें डिवाइसेज जो कनेक्ट होती है उनकी लिमिटेशन होती है कि वो इतनी ही डिवाइस उससे कनेक्ट कर पाती है, तो इस कारण से इसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप क्या बताओगे? इस सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इसके अंदर रहती है, माइक के अंदर। दूसरा इसका एडवांटेज बताओगे तो स्पीड भी इसकी सबसे ज्यादा रहती है। तो 2S, आप 2S से ज्यादा इसको याद रखें कि नैन की जो है सबसे बड़ी विशेषता 2S है। 2S कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिक्योरिटी, आपको रीजन बता दिया, क्योंकि वो एक ही रूम के अंदर रहती है तो उसका डाटा जो है आगे कहीं और सर्कुलेट होना या उसको चुरा लेना किसी के द्वारा बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, नंबर 2 होता है आपके स्पीड, क्योंकि डिवाइस के बीच में की फिजिकल दूरी जो है वो बहुत ही कम होती है, डिवाइस दोनों के बीच में जो फिजिकल दूरी होती है वो बहुत कम होती है, इस कारण से वो आपस में स्पीड जो होती है उनकी डेटा ट्रांसफर की बहुत ज़्यादा होती है। तो मैन के बारे में आप कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा आता है मैन, मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो मेट्रो एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर रहता है, जैसे मेट्रो का अर्थ सिटी होता है, शहर होता है, एक शहर के अंदर ऐसा जो नेटवर्क स्थापित है उसे मैन कहते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो बिल्डिंग के बीच में जो नेटवर्क बनाया गया है वो कैसा नेटवर्क है? मैन नेटवर्क। तो जैसे अपने यहाँ का उदाहरण लें कि यहाँ के लिए मैं एक टेस्ट सिस्टम बनाता हूँ जिसमें आपको टेस्ट के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो एक कंप्यूटर पे मेरे सेव रहेंगे, उन टेस्ट को मैं नेटवर्क की सहायता से आपके जो 10 कंप्यूटर उस बिल्डिंग के अंदर लगे हुए वहाँ तक मैं उसको पहुँचा सकता हूँ, तो वो क्या हो गया? आपका नया। अब यही जो चीज़ है, अब हमारी 2 संस्थाएँ, एक यहाँ है और एक कहीं और है, जैसे अपने शूट सर के अंदर है तो एक वहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर दिया और फिर डाटा का आदान प्रदान दो बिल्डिंग के बीच में हुआ, तो वहाँ पे ये नेटवर्क क्या कहलाएगा? मैन कहलाएगा। इसके अंदर आप इसका अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर इस तरह का नेटवर्क पाया जाता है, क्योंकि बैंकिंग जो है, बैंक जो है वो आपस में कनेक्टेड रहती है। जैसे SBI की कोई शाखा है तो वो एक जवाहर नगर में, एक जस्सी गेट में, तो आप यहाँ से अगर आप डेटा पैसे जो है वो जस्सी गेट वाली शाखा में ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये आपस में कनेक्ट है, दोनों शाखाएं एक नेटवर्क की सहायता से कनेक्ट है। इस तरह का नेटवर्क वो एक सिटी के अंदर ही है, तो इस तरह का नेटवर्क आपके क्या कहलाता है? मैन नेटवर्क। तीसरा आता है आपके वैन नेटवर्क, जो इंटरनेट है वो ही आपका वैन नेटवर्क। इंटरनेट आपका क्या है? वैन नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है कि सभी डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट है, सभी डिवाइस आपस में क्या है? इंटरकनेक्ट है। तो आप वैन का उपयोग, जैसे YouTube वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन से नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं? अगर भौगोलिक दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सा नेटवर्क है? एक वैन नेटवर्क है, जिसमें डेटा जो है वो बहुत दूर है और वहाँ से आपके पास आ रहा है, और डेटा किस लिंक की सहायता से आ रहा है, वो कहाँ से गुजरते गुजरते आ रहा है, उसका लिंक जो है वो भी बहुत बड़ा है, यानी बहुत जगह से घूमते हुए आपके पास डेटा जो है वो पहुँच पा रहा है। तो भौगोलिक दूरी के आधार पर अगर आपको इसका सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वैन क्या है, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक वैन नेटवर्क है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भौगोलिक दूरी के आधार पर नेटवर्क के 3 प्रकार। दूसरा प्रकार है आपके रणनीति के आधार पर,
रणनीति के आधार पर आपके नेटवर्क जो हैं वो दो प्रकार के हैं, क्लाइंट सर्वर टर्मिनल सर्वर, क्लाइंट सर्वर और टर्मिनल सर्वर। ये किसके आधार पर है? आपके रणनीति के आधार पर, स्ट्रेटेजिक के आधार पर आपके नेटवर्क जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो अब आपको इसको समझने के लिए पहले आपको नेटवर्क के जो फायदे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, उसका रीजन क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखोगे कि नेटवर्क जो है उसके इस्तेमाल के दो रीजन होते हैं। एक रीजन आपको पता है कि डेटा का आदान प्रदान करना, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए अपने को किसकी सहायता, किसकी आवश्यकता होती है, नेटवर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा रीजन आपको बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगा, दूसरा रीजन है कि संसाधनों को सहभागिता से उपयोग करने के लिए नेटवर्क की स्थापना की जाती है। संसाधन कौन से हो गए? संसाधन हार्डवेयर हो गए, आपके इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस, इनको सहभागिता से उपयोग करना। सहभागिता से उपयोग करना यानी कई जने मिलकर उसी एक का ही, एक ही इनपुट डिवाइस, एक ही सीपीयू डिवाइस या एक ही मेमोरी डिवाइस का उपयोग कर पाना, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन सहभागिता। इसका संसाधन सहभागिता को प्राप्त करने के लिए अपने को नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो कैसे, मैं आपको इसको उदाहरण देके समझाता हूँ कि मेरे पास एक आपके टेस्ट है या मेरे पास एक ऐसी मेमोरी है जहाँ से मैं डेटा को सेव करता हूँ और वहाँ से आप सभी जो है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मेरे को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको, मेरे पास एक प्रिंटर, ठीक है। एक प्रिंटर जो है वो आपने कई जगह भी देखा होगा कि एक प्रिंटर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और 10 कंप्यूटर आपस में इधर भी जुड़े हुए हैं। तो वो प्रिंटर जो है वो जिस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वहाँ से तो प्रिंट निकाल पा रहा है, और बाकी 10 कंप्यूटर पे कोई आके बैठता है तो उनका भी प्रिंट निकाल सकता है। तो ये नेटवर्क क्या है? ये एक नेटवर्क बना दिया है। एक प्रिंटर यानी प्रिंटर वो क्या है? संसाधन है, उसको सभी 10 कंप्यूटर के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। तो इस तरह का भी एक ये नेटवर्क कहलाता है, जो इसकी खूबी क्या दर्शाता है कि ये संसाधन सहभागिता को दर्शाता है कि एक प्रिंटर का उपयोग 10 कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? संसाधन सहभागिता। तो संसाधन सहभागिता को भी नेटवर्क के द्वारा यूज में किया जाता है। तो अब अपने इसके प्रकार पे ये आ जाते हैं कि रणनीति के आधार पर क्लाइंट सर्वर क्यों कहा जाता है। क्लाइंट सर्वर का मतलब है कि एक और दो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट है, ठीक है, इसमें से जो डेटा भेजता है उसे कहा जाता है सर्वर, और जो डेटा प्राप्त करता है उसे कहा जाता है क्लाइंट। यानी डेटा को भेजने वाला कहता है सर्वर, और डेटा को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? क्लाइंट कंप्यूटर। तो जैसे अगर आप ब्लूटूथ या शेयरिट के द्वारा भी डेटा को आदान प्रदान करते हैं तो आपकी जो डिवाइस जो शेयरिट का उपयोग करते हुए डेटा को भेज रही है और जो डेटा को प्राप्त कर रही है, तो डेटा को प्राप्त करने वाली क्लाइंट है, डेटा को भेजने वाली सर्वर है, ठीक है। ऐसा नेटवर्क जो है, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है, वो एक समय के लिए या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी बनाया जाता है। तो आप शेयरिट का, आपको एक फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप क्या शेयरिट से ब्लूटूथ से दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, डिवाइस को डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो, इसको इसीलिए कहा जाता है कि रणनीति के आधार पर आपकी कोई रणनीति है कि इसके इन दोनों को कनेक्ट किया, काम हुआ और नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। नेटवर्क को बनाया, काम जब करना था नेटवर्क को बनाया, काम जब खत्म हो गया तो नेटवर्क को डिसकनेक्ट कर दिया। तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। इसको मैंने रणनीति के आधार पर इसलिए रखा है क्योंकि ये नेटवर्क जो है
वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक बार बनाया जाता है, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा आता है आपके टर्मिनल सर्वर। तो टर्मिनल सर्वर को समझने के लिए आपको पहले ये वर्ड समझना होगा कि टर्मिनल क्या चीज होती है, ठीक है? टर्मिनल क्या चीज होती है। एक और वर्ड यूज आता है पेरिफेरल, ठीक है? इन दोनों वर्ड का अर्थ एक ही है, टर्मिनल और पेरिफेरल। तो टर्मिनल जो है वो आपके कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस को टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है? और इसका दूसरा नाम जो है वो पेरिफेरल भी कहा जाता है। तो कहीं पे ये नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज में तो ना कि ये कंप्यूटर की कौन सी चीज आ गई। टर्मिनल और पेरिफेरल का मतलब है कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट की जाने वाली डिवाइस। तो प्रिंटर है उसको पेरिफेरल टर्मिनल भी कह सकते हैं, ठीक है? सीपीयू आपका टर्मिनल पेरिफेरल भी कह सकते हैं उसको, समझ आएगी? तो आप टर्मिनल वर्ड जब आप समझ गए हो कि टर्मिनल का मतलब है एक कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है? और पेरिफेरल का मतलब भी यही है। तो एक और वर्ड आता है डंब टर्मिनल। डंब टर्मिनल, तो डंब का मतलब क्या होता है? जो बुद्धि का बुद्धि रही तो बुद्धि नहीं होती इसमें डंब, ठीक है? तो डंब टर्मिनल कौन से आपके कंप्यूटर के टर्मिनल आप समझ गए, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो टर्मिनल है। डंब किसको कहते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती, वो है आपके कीबोर्ड माउस मॉनिटर, ये डंब टर्मिनल कहलाते हैं। इनको डंब टर्मिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके खुद के अंदर प्रोसेसिंग की पावर नहीं होती, खुद के अंदर इनको डाटा को प्रोसेस करने की शक्ति इनके अंदर नहीं होती। ये शक्ति किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू सारे संसाधनों को मैनेज करता है, ठीक है? तो सीपीयू जो है वो आपका डंब टर्मिनल नहीं है, वो आपका टर्मिनल है, ठीक है? तो डंब टर्मिनल भी अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए, हाई लेवल का क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन के अंदर कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो डंब टर्मिनल कौन से है? आपके इनपुट डिवाइस जो प्रोसेसिंग नहीं कर पाती, आउटपुट डिवाइस जो प्रोसेसिंग करने में असफल होती है या उनको प्रोसेसिंग शक्ति उसके अंदर नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डंब टर्मिनल। तो इन डंब टर्मिनल, तो अपने डंब टर्मिनल भी समझ गए, टर्मिनल के आकार भी समझ गए। तो यहाँ पे टर्मिनल सर्वर का मतलब है, मान लो मेरे पास एक सीपीयू है, ठीक है? और सीपीयू के अंदर मैंने आपको फर्स्ट इसका लेक्चर जो दिया था उसके अंदर बताया था कि मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी लगी हुई होती है, रैम रोम हार्ड डिस्क लगी हुई होती है इसके अंदर, ठीक है? ए भी होता है, सी यू होता है, ये सब अपने सीपीयू के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सीपीयू आपके पास मानो एक है और आप जो है 10 कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी 10 इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा किया जा सकता है, आपको बता देता हूँ मैं, एक सीपीयू से 10 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर, अगर बहुत अच्छा सीपीयू है तो ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो एक ऐसा सीपीयू जिससे आपने 4 कीबोर्ड लगा दिए, जिसके अंदर 4 मॉनिटर लगा दिए और 4 ही माउस लगा दिए, ठीक है? और उसके अंदर आपने सीपीयू के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो मेरा इसी सीरीज का ये वीडियो सीरीज जो चल रही है उसका तीसरा या चौथा पार्ट जो है उसके अंदर अपने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की चर्चा की है, जिसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैंने पढ़ाया। तो यानी उस सीपीयू के अंदर मैंने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल दिया और उस सीपीयू को 4 मॉनिटर, 4 आपके कीबोर्ड, 4 माउस से कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ पे एक सीपीयू से मैंने 5 कंप्यूटर जो है वो बना दिए हैं, यानी एक सीपीयू 5 व्यक्तियों का कार्य कर रहा है। तो ये कैसा सर्वर, ये कैसा नेटवर्क है? टर्मिनल सर्वर नेटवर्क। कैसा नेटवर्क है? टर्मिनल सर्वर नेटवर्क, समझ आ गई? तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? संसाधन को सहभागिता के साथ उपयोग करने के लिए इस तरह के नेटवर्क को बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया था शुरू में कि ये क्यों बनाया जाता है, एक तो डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, एक संसाधन सहभागिता के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीपीयू का एक संसाधन का उपयोग 4-5 जने कर पा रहे हैं,
इसे क्या कहा जाता है, संसाधन सहभागिता। ठीक है, यहाँ पे आ गया संसाधन सहभागिता जो है नेटवर्क, वो आपका टर्मिनल सर्वर है जिसके अंदर संसाधन सहभागिता सफल हो पाती है या किया जा सकता है। तो ये हो गया आपने भौगोलिक दूरी के आधार पर, रणनीति के आधार पर। अब आता है साइज या आकार के आधार पर। तीसरा प्रकार है आपका नेटवर्क का आकार के आधार पर। आकार के आधार पर आपके जो नेटवर्क होता है वो स्टार बस लिंक और मैश, इसको अंग्रेजी में टोपोलॉजी भी कहा जाता है। टोपोलॉजी का मतलब है आकार या प्रकार, आकार यानी उस नेटवर्क का दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस आधार पर नेटवर्क जो है वो आपका चार प्रकार का है, बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क और मैश नेटवर्क। तो बस नेटवर्क के अंदर क्या होगा, बस के आकार का आपको नेटवर्क दिखाई देगा। बस कैसी होती है, सीधी। ठीक है, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, पांचवा कंप्यूटर जो है वो एक तार की सहायता से आपस में जुड़े हो, एक ही तार की सहायता से आपस में जुड़े हो। तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, बस नेटवर्क। इसकी खूबी क्या है, ये बाकी नेटवर्क, बाकी आकार के नेटवर्क की तुलना में इसको उपयोग करना या इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, यानी सबसे कम कॉस्ट। इनके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करें, सबसे कम कॉस्ट कौन से आकार के आधार, कौन से टोपोलॉजी में होती है, बस टोपोलॉजी में, क्योंकि इसमें एक तार की सहायता से सभी कंप्यूटरों को आपस में माइक वाइक जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, बस। बस नेटवर्क की एक आपको मैंने इसका एडवांटेज बता दिया, इसकी कॉस्ट कम होती है। तो अपने डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन आ जाए तो बस नेटवर्क जो होता है तो उसमें कहीं पर फॉल्ट आ जाता है, तो फॉल्ट के कारण पूरा नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कहीं पर एक जगह पर फॉल्ट आया है तार में तो उससे वो पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, यानी नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि एक ही तार का उपयोग किया गया है, उसी तार में फॉल्ट आ गया तो आपका नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। तो ऐसा नेटवर्क कभी भी काम करना, पूरी तरीके से काम करना बंद कर सकता है, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो इसके आधार पर दूसरा नेटवर्क आता है स्टार। स्टार नेटवर्क के अंदर स्टार की आकृति के जैसा होता है, उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, ये एक दो तीन चार, ये बीच की डिवाइस है जिसको हम कह सकते हैं। तो एक सेंट्रल डिवाइस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जो है वो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। एक सेंट्रल डिवाइस का उपयोग करते हुए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे कैसा नेटवर्क कहते हैं, उसे कौन सा नेटवर्क कहते हैं, स्टार नेटवर्क। इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है और उस सेंट्रल डिवाइस से जो है वो आपस में कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। तो अगर एक नंबर को, चार नंबर को कुछ भेजना है तो वो डेटा जो है वो हब के पास आएगा, हब के पास इनका इसका एड्रेस होएगा तो वो इसको भेज देगा सीधा, तो ये सीधा कम्युनिकेट हो गया। इसमें एक साथ कई डिवाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस में ऐसा नहीं था, बस में एक बार क्योंकि एक ही तार का उपयोग है तो एक बार किसी किन्हीं के बीच में नेटवर्क स्थापित हो गया, डाटा का आदान प्रदान हो रहा है तो दूसरी डिवाइसें उसमें डाटा का आदान प्रदान नहीं कर सकती जब तक वो लाइव खाली नहीं हो जाती।
ठीक है, यहीं पे भी है, इसमें एक और चार आपस में भेज सकते हैं, तो उसी समय दो और तीन भी आपस में डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं, समझ आ गए। तो आपस में इस तरीके से कनेक्ट है, जो रिंग है उसमें रिंग की शेप में रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो आपका नेटवर्क है, दो को अगर तीन को भेजना है तो उसके पास दो मार्ग है, एक तो वो एक के थ्रू तीन को भेज दे और एक चार के थ्रू तीन को भेज दे, रिंग के आकार के अंदर ये मौजूद रहता है। चौथा जो है वो आपकी मैश है, मैश के अंदर आपकी जो डिवाइस है, जैसे चार डिवाइस है, वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट करती है, ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। एक नंबर जो है वो दो से भी कनेक्ट है, चार से भी कनेक्ट है, तीन से भी कनेक्ट है। ऐसा नेटवर्क, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये नेटवर्क कभी भी फैल नहीं होता, कभी भी ये नेटवर्क फैल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर छोड़ता है तो एक नंबर जो है वो दो नंबर को डेटा जो है वो कई तरीकों से भेज सकता है, एक तो इस तरीके से भेज सकता है, ठीक है, एक से चार फिर दो, ठीक है, एक से तीन फिर दो, ठीक है, ये फैल हो गए, ये माइंड फैल हो गए तो भी डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसा नेटवर्क जो है वो कभी भी फैल नहीं होता है, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क कौन सा है? मैश नेटवर्क। मैश जो है वो सबसे विश्वसनीय नेटवर्क है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि मैश नेटवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी, यानी सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है इस नेटवर्क को बनाने में, क्योंकि तो इसके अंदर तारों की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है। इसके अंदर इस टोपोलॉजी के ऊपर जो दो क्वेश्चन बनते हैं, जो दो तीन क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। सबसे सस्ता, सबसे सुगम और सबसे आसान नेटवर्क कौन सा है? बस एक ऐसा नेटवर्क, दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सेंट्रल डिवाइस का उपयोग करते हुए बनाया जाता है, तो वो कौन सा? स्टार। सबसे किफायती, सबसे आपका विश्वसनीय नेटवर्क कौन सा है? मैश नेटवर्क। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा यही तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने नेटवर्क को पढ़ लिया है। अब जो है आगे नेटवर्क के बारे में और चर्चा, अभी प्रकार पढ़ चुके हैं, पहला प्रकार आया भौगोलिक दूरी के आधार पर, दूसरा प्रकार आया रणनीति के आधार पर, तीसरा आया टोपोलॉजी के आधार पर यानी आकार के आधार पर। अब नेटवर्क जो है, आगे और चर्चा करते हैं, नेटवर्क का टॉपिक पूरा कर लेते हैं। इंटरनेट चल रहा है ना, इंटरनेट को पढ़ने के लिए अपने को नेटवर्क की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब नेटवर्क जो है उसके अंदर वो दो टाइप का हो सकता है, एक वायर और दूसरा है वायर मैश। एक आपका नेटवर्क जो है वो दो प्रकार का, दो अलग प्रकार भी देख रहे हैं अपने, अभी तीन प्रकार तो देख ही नहीं थे, भौगोलिक दूरी के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है, टोपोलॉजी के आधार पर, तो ये तीन प्रकार अपने पढ़ चुके थे। अब देखते हैं नेटवर्क जो है वो और दो टाइप का कौन सा हो सकता है, एक वायर्ड नेटवर्क और एक वायरलेस नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें तार का उपयोग किया गया है, ठीक है, माध्यम का उपयोग किया गया है, और एक ऐसा नेटवर्क जिसमें तार का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे तार का उपयोग जब किया जाता है तो वो तीन तारों का उपयोग किया जाता है, कोएक्सियल और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। यानी वायर नेटवर्क अगर बनाया गया है तो तीन प्रकार के तारों का उपयोग किया जा सकता है, एक नंबर है ट्विस्टेड पेयर, दो नंबर है आपका कोएक्सियल केबल और तीन जो है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर।
इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इन तीनों को भी यहाँ पे लिख दिया है। अभी से इनको समझ लेते हैं अपने। तो नेटवर्क आपको मैंने जैसे बता दिया वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। तो ये जो प्रकार है इसको माध्यम भी कहा जाता है, मीडियम भी कहा जाता है। तो ये नेटवर्क के मीडियम भी है। तो इसके पेयर कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये नेटवर्क के क्या है, मीडियम या माध्यम भी इसको कहा जाता है। तो आपने इन दो केबलों को, तीनों केबलों को जो है अपने आसपास के वातावरण में देखा हुआ है। मैं जब उदाहरण दूंगा तब आप इसको समझोगे, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो जो टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन से जो वो लाइन आती है जिसके अंदर दो ही तार होते हैं और वो आपस में ट्विस्ट किए होते हैं, एक दूसरे से ट्विस्ट किए होते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है, ट्विस्टेड पेयर। इसका उपयोग जो है, चूँकि अपने नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो एक फोन भी जो है जो आपस में नेटवर्क का उपयोग करते हुए डेटा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये नेटवर्क जो है, अगर फोन वाला वो जो आपने तार देखा हुआ है भूरे कलर का जिसमें छोटा पतला सा तार होता है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। दूसरा आता है कोएक्सियल। यदि आपने नेटवर्क बनाने के लिए आपने डिश का तार देखा होगा जिसके बाहर एक चोंच सी निकली हुई होती है, ब्लैक कलर का तार होता है, अंदर वाइट कलर की कोटिंग की हुई होती है, उसमें से एक आपके छोटा सा नुकीला सा तांबे का तार निकला हुआ होता है और आसपास जो है वो निकले हुए होते हैं, वो जो है आपका कोएक्सियल केबल कहलाता है, ठीक है। तो कोएक्सियल के बारे में बता दिया। फाइबर ऑप्टिकल जो है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करती है, प्रकाशीय तरंगों के द्वारा डेटा का आदान प्रदान करती है। इन तीनों के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछी जाती है। यहाँ पे आप ये कन्फ्यूज मत करना कि यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो बनाने के लिए आपको एक ही तार का उपयोग, यानी फाइबर का उपयोग किया तो फाइबर का ही उपयोग करो, ठीक है, कोएक्सियल का किया तो कोएक्सियल का ही करो, तीनों का आपस में मिला जुला संगम भी अपने उपयोग कर सकते हैं अगर बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पे नेटवर्क जो है वो इन तीन की सहायता से बनाया जाता है। तो इस तरह का नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क कहलाता है। आपके ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे तेज वायर्ड नेटवर्क किस केबल की सहायता से बनाया जा सकता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल की सहायता से बनाया जा सकता है। आप अभी नेटवर्क, आप अभी एक अच्छा सा उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। आप अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और आप जियो का उपयोग कर रहे होंगे बेसिकली, क्योंकि 99% व्यक्तियों के पास जो है वो जियो का नेटवर्क है। तो जियो जो है वो आपको डेटा का आदान प्रदान जो है वो वायर्ड नेटवर्क की सहायता से दे रहा है। उसने ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछा रखी है और वहीं से आपके पास जो है वो आ रहा है, वहीं से आपके पास जो डेटा जो है वो आ रहा है। आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, आप वायरलेस नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वायरलेस नेटवर्क का एक डिसएडवांटेज है कि ये अधिक दूरी पे कार्य नहीं करता है। ये अधिक दूरी हो तो आपका कार्य नहीं करता है। तो आप ये मत समझें, जैसे आप अभी YouTube वीडियो देख रहे हैं तो ये YouTube का सर्वर जहाँ अमेरिका में है तो वहाँ से आपके पास वायरलेस तरीके से आपके पास ये मोबाइल में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वहाँ से YouTube से आपके पास जब आ रहा है, यानी अमेरिका से मान लो आपके पास जो आ रहा है, तो वहाँ से भी वो वायर के थ्रू ही आपके पास आ रहा है, वायर का उपयोग करते हुए आपके पास आ रहा है। आपके जो पास में थंबे लगे हुए हैं, जो मोबाइल टावर लगे हुए हैं, वहाँ तक भी जो है वो किसके थ्रू आ रहा है, आपके वायर्ड कनेक्शन के द्वारा ही आ रहा है। यानी वहाँ से आपके मोबाइल तक आने में उसने वायर्ड नेटवर्क का उपयोग जरूर किया है, और यहाँ तक आपके नज़दीकी थंबे तक आने में उसने वायर्ड का उपयोग किया है, उस थंबे से, उस टावर से आपके पास आने में उसने वायरलेस कनेक्शन का उपयोग किया है। तो यहाँ पे आप वायरलेस कनेक्शन की एक डिसएडवांटेज ये समझ लो कि इसकी स्पीड जो है वो हमेशा कम होती है, ठीक है। तो वायरलेस नेटवर्क की स्पीड कम होगी और वायर्ड नेटवर्क की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये मैं समझे कि हम मोबाइल में जो डेटा उपयोग कर रहे हैं और वही कंप्यूटर में अगर वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करते हुए करें
तो कंप्यूटर में स्पीड हमेशा ज़्यादा आएगी, मोबाइल में स्पीड जो है वो कम आएगी। तो यहाँ पे अपने नेटवर्क को बढ़ा वायर्ड और वायरलेस। तो वायरलेस नेटवर्क जो है वो कम दूरी तक नेटवर्क बनाने के काम लिया जा सकता है, अधिक दूरी हो उसकी तो वो काम नहीं करेगा। वायर्ड नेटवर्क जो है वो बहुत स्पीड वाला लेकिन थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, ठीक है। बिना वायर्ड नेटवर्क के वायरलेस कनेक्शन जो है वो नहीं बनाया जा सकता, उसका मैंने आपको उदाहरण दे दिया। तो अपने आज का जो क्लास है वही यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक अगर मैं एक टाइम में करवा दूंगा तो आपको समझ में आना या उसको याद रखने में थोड़ी मुश्किल होगी, या चूंकि ये मैं सारे चैप्टर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ, फिर भी ये अपनी रिवीजन क्लास में करी है। एक सभी को आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज सोमवार है, बुधवार को मैं अपने सब्जेक्ट का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको तीन चैप्टर जो है तीन से चार, आपको जैसे चैप्टर जो आठ है आठ के आठ मैंने चैप्टर करवा चुका हूँ, तो और उनके क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, तो ये आठ के आठ चैप्टर के आप क्वेश्चन वगैरह इनको याद करेंगे। रिवीजन तो अपने चल नहीं रहा है, इसको आप याद करेंगे एक बार, और याद करने के बाद मैं आपका बुधवार को टेस्ट लूँगा। आपको बता दिया मैंने 12 बजे से 5 बजे के बीच में आपका टेस्ट होएगा। कब होएगा टेस्ट? बुधवार को। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? 12 से 5। कब बता रहा हूँ मैं? ये सोमवार, यानी 48 घंटे का टाइम जो है वो आपको दे रहा हूँ। पूरा टाइम आपके पास फ्री है, आप इस टेस्ट की तैयारी करेंगे, और पिछले मैंने जो टेस्ट दो टेस्ट लिए हैं उसमें आपके नंबर जो है, आपने भाग लिया है, कई स्टूडेंट ने तो भाग भी नहीं लिया, भाग लिया है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो भाग ही नहीं मेरे उनका तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। जो भाग मेरे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी और मेहनत करें और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ, ठीक है। कल मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपके टेस्ट लिया था, उसमें एक बच्चे के 90% थे, बाकी किसी भी बच्चे के 50-60% से ऊपर नहीं थे। तो ये आप थोड़ी तैयारी करें, बेसिक इलेक्ट्रिकल तो आपके शुरुआत के चैप्टर में ही है, आपको हार्ड चैप्टर तो मैंने दिया भी नहीं था, यानी इसका मतलब है आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, थ्योरी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं क्लास आपको मैथ और एम्प्लॉयबिलिटी के दे रहा हूँ, और आपको दूसरे सर जो हैं इब्राहिम जी सर वो आपको थ्योरी की दे रहे हैं, तो आप उसको सारे क्लासों को लें, और इस क्लास के अलावा आप जो पढ़ रहे हैं ये तो आपकी रेगुलर क्लास चल नहीं रही है, रिवीजन चल नहीं रहा है, ये तो रिवीजन चल रहा है, जो आपको बुक में कराया हुआ है, बुक से कॉपियों में दिखाया हुआ है, उनको भी आपको पढ़ना है, तो उनका टेस्ट जो है वो हम लगातार करवाने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपको दो दिन पहले बता दिया है कि बुधवार को मैं 12 से 5 बजे के बीच में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 8 चैप्टर का टेस्ट जो है वो मैं आपसे करवाऊँगा, ठीक है। आपको तैयारी करने का समय भी दे दिया मैंने, तो आप तैयारी करें। धन्यवाद। इसके नीचे आपके इस लेक्चर के नीचे अटेंडेंस जो है वो आपकी आ जानी चाहिए, और जो स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरी आईटीआई का भी चैनल है, कहीं और का भी विद्यार्थी है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आपको लगातार जो है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। धन्यवाद।